देवराज, तुम्हारी बुद्धि गवारों की सी है, इसलिए एक ना एक दिन अवश्य होने वाले अपने नाश की ओर तुम्हारी दृष्टि नहीं जाती। संसार में कुछ मूर्ख भी हैं, जो तुम्हें अपने ही पराक्रम से उत्तम पदवी को प्राप्त हुए समझकर बहुत बड़ा मानते हैं, किंतु मेरे जैसा मनुष्य, जो संसार की स्थिति को जानता हो, समय के प्रभाव से आपत्ति में पड़कर भी शोक, मोह अथवा भ्रम में कैसे पड़ सकता है? मैं, तुम या दूसरे लोग, जो देवताओं के स्वामी होने वाले हैं, एक दिन उसी मार्ग पर जाएंगे, जिस पर पहले के सैकड़ों इंद्र जा चुके हैं। यद्यपि आज तुम दुर्धर्ष हो और अत्यंत तेज से दैदीप्यमान हो रहे हो, किंतु याद रखना, समय आने पर तुम भी मेरी ही तरह काल के शिकार बन जाओगे। अब तक देवताओं के हजारों इंद्र काल के गाल में चले गए हैं, काल पर किसी का वश नहीं चलता। तुम इस शरीर को पाकर सब प्राणियों को जन्म देने वाले सनातन देव भगवान ब्रह्मा जी की भांति अपने को बहुत बड़ा मानते हो, किंतु तुम्हारा यह इंद्रपद आज तक किसी के लिए भी अविचल या अनंत काल तक रहने वाला साबित नहीं हुआ। इस पर कितने ही आए और चले गए, केवल तुम ही मूर्खता के कारण इसे अपना मानते हो। देवराज, नाशवान होने के कारण जो विश्वास के योग्य नहीं, उस राज्य पर तुम विश्वास करते हो, जो टिकने वाला नहीं, उसे स्थिर मानते हो, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि काल ने जिसे घेर रखा हो, वह सदा ऐसा ही समझता है। जिस राज्य लक्ष्मी को मोहवश अपनी मानते हो, यह ना तुम्हारी है, ना मेरी है, और ना दूसरे की ही है, यह किसी के पास स्थिर नहीं रहती। बहुत से राजाओं के उपभोग में आ चुकी है और उनको छोड़कर अब तुम्हारे पास आई है। इसका स्वभाव चंचल है, अतः कुछ काल तक तुम्हारे पास भी रहकर फिर दूसरे के यहाँ चली जाएगी। अब तक इसने जितने राजाओं का परित्याग किया है, उनकी गणना नहीं हो सकती। तुम्हारे बाद भी बहुत से राजा इसका उपभोग करेंगे। पूर्व काल में इसे जिन जिन राजाओं ने भोगा है, वे आज कहीं दिखाई नहीं देते। पृथु, पुरुरवा, मय, भीम, नरकासुर, शंबरासुर, अश्वग्रीव, पुलोमा, सर्वभानु, अमितध्वज, प्रहलाद, नमुची, दक्ष, विप्रचीति, विरोचन, रिनिशेव, सुहोत्र, भूरिहा, पुष्पवान, सत्येशु, वृष, ऋषभ, बाहु, कपिलाक्ष, विसुयक, बाण, कार्तस्वर, वहिन, विश्वदंशत्र, नैरिति, संकोच, वरिताक्ष, वराहशव, रुचिप्रभ, विश्वजित, प्रतिरूप, विषांड, विष्कर, मधु, हिरण्यकशिपु और कैटब, ये तथा और भी बहुत से दैत्य, दानव और राक्षस आदि पूर्व काल में पृथ्वी के स्वामी हो चुके हैं। जिन जिन पूर्ववर्ती नरेशों के आज हम लोग नाम सुनते हैं, वे सभी काल की मार पड़ने से इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए, क्योंकि काल ही सबसे बड़ा बलवान है। केवल तुमने ही 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया हो, यह भी बात नहीं है। उन सभी राजाओं ने 100 यज्ञ किए थे, सभी धर्मात्मा थे और सबके सब निरंतर यज्ञ में संलग्न रहने वाले थे। तुम्हारी ही तरह वे भी आकाश में विचरते थे, सैकड़ों मायाएं जानते थे और इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकते थे। उनके भी तेज और प्रताप बढ़े हुए थे, किंतु काल ने उनका भी संहार कर ही डाला। जिस दिन तुम्हें इस पृथ्वी को उपभोग के बाद त्यागना पड़ेगा, उस दिन तुम अपने प्रबल शोक को न दबा सकोगे। इसलिए विषय भोग की इच्छा छोड़ दो, राज्य लक्ष्मी के घमंड को त्याग दो। ऐसा करने से तुम अपने राज्य के नष्ट हो जाने पर भी उसके शोक को धैर्य पूर्वक सह सकोगे। शोक के समय शोक न करो और हर्ष का अवसर आने पर हर्ष से फूल न उठो। इंद्र, इस कटु सत्य के लिए क्षमा करना, अब देर नहीं है। तुम पर भी काल का आक्रमण होने वाला ही है। तुम्हें भी
उससे भय प्राप्त होगा। इस समय तुम अपने तीखे वचनों से मुझे छेदे डालते हो। मैं शांत होकर बैठा हूँ, इसलिए तुम अपने को बहुत बड़ा मान रहे हो। किंतु याद रखो, जिस काल का मुझ पर धावा हुआ था, वही तुम पर भी चढ़ाई करेगा। देवताओं के 1000 वर्ष पूर्ण होने तक ही तुम्हें इंद्र होकर रहना है। देवेंद्र, तुम मुझे जानते हो और मैं तुमको जानता हूँ, फिर मेरे सामने लाज छोड़कर इतनी डींग क्यों हांकते हो? जब मैं राजा था, उस समय जो पुरुषार्थ दिखा चुका हूँ, उससे तुम अपरिचित नहीं हो। कई बार के युद्धों में तुम मेरा पराक्रम देख चुके हो। एक ही दृष्टांत देना काफी होगा। पहले जब देवासुर संग्राम हुआ था, उस समय की बात तुम्हें भूली न होगी। मैंने अकेले ही समस्त आदित्यों, रुद्रों, साध्यों, वसुओं तथा मरुदगणों को परास्त किया था। मेरे वेग से देवताओं में भगदड़ मच गई थी। तुम्हारे सिर पर भी पर्वतों के कितने शिखर फोड़ डाले थे। किंतु इस समय मैं क्या कर सकता हूँ? काल का उल्लंघन करना कठिन है। तुम्हारे हाथ में वज्र रहने पर भी मैं केवल मुक्के से मारकर तुम्हें मौत के घाट उतार सकता हूँ। किंतु मेरे लिए यह पराक्रम दिखाने का नहीं, क्षमा करने का समय है। इसलिए तुम्हारे सब अपराध चुपचाप सहे लेता हूँ और यही वजह है कि तुम अपनी झूठी बड़ाई किए जा रहे हो। जैसे मनुष्य रस्सी से किसी पशु को बांध लेता है, उसी प्रकार भयंकर काल मुझे अपने पाश में बांधे खड़ा है। पुरुष को लाभ हानि, सुख दुख, काम क्रोध, जन्म मरण और बंधन मोक्ष, ये सब काल से ही प्राप्त होते हैं। जो काल के प्रभाव को जानता है, वह उससे कष्ट पाकर भी शोक नहीं करता, क्योंकि दुख दूर करने में शोक से कोई सहायता नहीं मिलती। यही सोचकर मैं शोक नहीं करता। शोकग्रस्त मनुष्य का शोक उसकी विपत्ति को तो टालता नहीं, उल्टे उसकी शक्ति को क्षीण कर देता है। इसलिए मैं शोक नहीं करता। बलि के इस कथन को सुनकर इंद्र का क्रोध उतर गया। वे शांत होकर बोले, दैत्यराज, मेरे हाथ को वज्र सहित ऊपर उठे देखकर मारने की इच्छा से आई हुई मृत्यु का भी दिल दहल जाता है। फिर दूसरा कौन है जो व्यथित न हो? किंतु तुम्हारी बुद्धि तत्व को जानने वाली और स्थिर है, इसलिए तनिक भी विचलित नहीं होती। इसमें संदेह नहीं कि धैर्य के ही कारण तुम्हें घबराहट नहीं होती। वास्तव में काल का कोई परिहार नहीं है, उसके उल्लंघन का कोई उपाय नहीं है। काल सब प्राणियों के साथ एक सा बर्ताव करता है। वह दिन, रात, मास, क्षण, काष्ठा, लव और कला तक का हिसाब करके प्राणी को पीड़ा पहुंचाता रहता है। जैसे नदी में अचानक आई हुई बाढ़ अपने वेग से किनारे के वृक्ष को तोड़ उखाड़ कर बहा ले जाती है, उसी प्रकार यह काम आज करूंगा, उसे कल पूरा करना है, ऐसा कहते हुए मनुष्य को काल सहसा आकर दबोच लेता है। अरे, उसको तो अभी-अभी देखा था, वह मर कैसे गया? इस तरह काल के वेग में बहते हुए मनुष्यों के प्रलाप सुनाई पड़ते हैं। धन, ऐश्वर्य, भोग और स्थान, ये सब काल के द्वारा नष्ट हैं। काल ही आकर प्राणियों का जीवन हर ले जाता है। ऊंचे चढ़ने का अंत है नीचे गिरना और जन्म का परिणाम है मृत्यु। जो कुछ देखने में आता है सब नाशवान है, अस्थिर है, तो भी निरंतर इस बात का स्मरण रहना कठिन हो जाता है। अवश्य ही तुम्हारी बुद्धि सत्व को जानने वाली तथा स्थिर है, इसलिए उसे घबराहट नहीं होती। काल अत्यंत प्रबल है, वह संपूर्ण जगत पर आक्रमण करके सबको अपनी आंच में पका रहा है। काल इस बात को नहीं देखता कि कौन बड़ा है और कौन छोटा, वह सबको अपनी आग में झोंकता जाता है, फिर भी किसी को चेत नहीं होता। लोग ईर्ष्या, अभिमान, लोभ, काम, क्रोध, भय, स्पृहा और मोह में फंसकर अपनी सुध-बुध खो बैठे हैं।
किंतु तुम विद्वान, ज्ञानी और तपस्वी हो, काल की लीला और उसके तत्व को जानते हो, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण हो, तथा तत्व के विवेचन में कुशल और ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि तुमने अपनी बुद्धि से संपूर्ण लोकों का तत्व जान लिया है। तुम सर्वत्र विचरते हुए भी सबसे मुक्त हो, कहीं भी तुम्हारी आसक्ति नहीं है। तुमने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, इसलिए रजोगुण और तमोगुण तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकते। तुम हर्ष और शोक से रहित आत्मा की उपासना करते हो। सब प्राणियों के प्रति तुम्हारा सौहार्द है, किसी के प्रति वैर नहीं है। तुम्हारे चित्त में सदा शांति बनी रहती है। तुम्हें देखकर मेरे मन में दया का संचार हो आया है। मैं तुम्हारे जैसे ज्ञानी को बंधन में रखकर मारना नहीं चाहता। अब मेरी ओर से तुम्हें कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। तुम स्वस्थ और सुखी रहो। ऐसा कहकर गजराज पर बैठे हुए देवराज इंद्र वहां से चले गए और संपूर्ण असुरों को जीत लेने के पश्चात सबके एक छत्र सम्राट होकर आनंद से रहने लगे। उस समय उत्तम ब्राह्मणों ने उनकी स्तुति की और वे स्वर्ग में लौटकर सुखपूर्वक दिन व्यतीत करने लगे।